जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। अर्नब के वकील ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन लगाई। इसमें अर्नब ने दावा किया है कि पुलिस ने उन्हें जूते से मारा, पानी तक नहीं पीने दिया। अर्नब ने अपने हाथ में 6 इंच गहरा घाव होने, रीढ़ की हड्डी और नस में चोट होने का दावा भी किया। उनका कहना है कि पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त जूते पहनने तक का समय नहीं दिया। अपने जन्मदिन यानी 4 नवंबर को गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के दौड़ने वाले एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन के खिलाफ गोवा के कोंकण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। उन पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे हैं। उनकी तस्वीर को उनकी पत्नी अंकिता कुवार ने क्लिक किया था। उत्तर प्रदेश के देवरिया में लड़की के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने एक पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए योगी सरकार को निशाने पर लगाया है। यशवर्धन कुमार सिन्हा देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कमेटी के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस कमेटी में पीएम के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। त्योहारों का ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार से अपील की है कि वो राज्य में आने वाली और यहाँ से दूसरे जगह जाने वाली सभी ट्रेनों के परिचालन को अनुमति दे। इसके अलावा पंजाब सरकार से कहा गया है कि वो पूरे रेलवे सिस्टम की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। देश की राजधानी दिल्ली से सटे राज्य उत्तर प्रदेश में भी हवा जहरीली होती जा रही है। यूपी के कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लखनऊ क्षेत्रीय अधिकारी RO की सैलरी रोक दी गई है। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में IIT दिल्ली का 91वां दीक्षांत समारोह मन रहा है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी भी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत हुए थे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना बहुत बदलाव लेकर आया है। पोस्ट कोविड यानी कि कोरोना काल खत्म होने के बाद जिंदगी बहुत अलग होने वाली है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की होगी। पीएम मोदी ने छात्रों से अपील की कि नए नए इन्वेंशन से देशवासियों की जिंदगी को बनाएं आसान। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शनिवार को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 की लॉन्चिंग की। यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV-C49 रॉकेट के जरिए देश के EOS-1 के साथ ही 9 विदेशी उपग्रह भी भेजे गए। लॉन्चिंग में तय समय से 10 मिनट की देरी हुई। गोवा सरकार ने दिसंबर में राज्य में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डांस म्यूजिक फेस्टिवल के आयोजकों को दी गई मंजूरी रद्द करनी पड़ी। सरकार ने इससे पहले आयोजकों को कार्यक्रम कराने की इजाजत दी थी। सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ था। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदर्शन भी किया था। विपक्ष के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और आयोजकों को दी गई अनुमति रद्द करनी पड़ी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.